तो बहुत ही बढ़िया। बस मैं ये है कि यहाँ पे कॉर्नरिंग नहीं कर सकता या लीन नहीं कर सकता। नहीं नहीं यस सॉरी गाइस। ट्रिप की शुरुआत पेट्रोल के साथ। ऑल द पेट्रोल ने सेंचुरी मारी हुई है पूरी। पर एनीवेज ये हमारा कुछ लाइनअप है। डोमिनार श्रेयस की, ये मेरी जीटी और वो अमन की इंटरसेप्टर और यू कैन से हिमालयन 650। फ्रंट सस्पेंशन इसको इसने थोड़ा सा हिमालयन का लगा रखा है और रियर सस्पेंशन भी इसने राइजर्स लगा रखे हैं। तो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। ये मेरा नया हेलमेट है एक्सोर का XBHP लिमिटेड एडिशन। और हम लोग जा रहे हैं कहाँ ये ज़रूरत नहीं है बताने की क्योंकि टाइटल थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया है। यहाँ के कुत्तों को हमने उठा दिया है। ये वाला भी भौंक रहा है और ये वाला तो हमारे पास ही आ गया है। ये आदमी इस बंदे को बोला था कि भाई साहब एक जीन्स लेके आनी है एक्स्ट्रा और एक स्पेयर का टी शर्ट लेके आनी है। ये दो टी शर्ट लेके आ रखा है, दो जीन्स लेके आ रखा है। इस ट्रिप में धमाल मचने वाला सही में। बट ये लड़का सदमे में थोड़ा सा क्योंकि इसने मतलब इमोशनल होके नई बाइक की खुशी के कारण इसने बोल दिया कि भाई चलो चलते हैं गाइस, यस चलते हैं ट्रिप में। अब जो ट्रिप है वो 12-15 घंटे की होने वाली है। तो अब ये सोच रहा है कि काश मैं उस टाइम अगर थोड़ा सोच समझ के विचार करके अगर मैं हाँ बोलता तो सही रहता। तो 2.5 करोड़ साल के बाद हम पहुंचे हैं झिलमिल ढाबा। और जब भी हिमाचल जाना होता है तो हम हमेशा यही रुकते हैं। हिमाचल पंजाब हरियाणा कहीं मतलब मोरनी हिल जाना था तब भी यही रुकेंगे। So how was the ride my boy Shreyas, how do you do? But भाई तू क्या ओवरटेक कर रहा है? ओवरटेक कर रहा है देख, सही भी है गलत भी है। सही इसलिए कि तू एकदम एक्सपीरियंस राइडर जैसे ओवरटेक कर रहा है बिना ब्रेक मारे मस्त एकदम स्मूथली कर रहा है। गलत ये है कि तू ना हॉर्न नहीं मार रहा जब हमारे पास से निकल रहा है। तो और हम हमेशा अंदर बैठते हैं। मैं बताऊँ कौन सी सीट है हमारी? हमारी जो सीट होती है वो होती है ये वाली, ये यहाँ बैठते हैं हम यूजली। चलो गाइस झिलमिल ढाबा में। यार ये डोमिनार ना पूरा इसका कैरेक्टर पूरा KTM बाइक जैसे है क्योंकि इसका इंजन ही KTM से लिया हुआ है। ड्यूक प्लेटफॉर्म में है इसका इंजन बना हुआ थोड़ा सा डी ट्यून करके। हाँ तो झिलमिल ढाबा में कर लिया है ब्रेकफास्ट। क्या डोमिनार इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GT 650 के साथ कंपीट कर पाएगी? सो लेट्स सी। अभी हम लोग हैं चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर और मेरी GT और अमन की इंटरसेप्टर दोनों आगे हैं। सो लेट्स कैच देम। डोमिनार का यार टॉप एंड काफी अच्छा है या फिर यू कैन से लो एंड इज नॉट दैट गुड। बहुत गियर डाउन करना पड़ता है अगर आपको लोअर स्पीड में चलाना है। तो अभी मैं बहुत पास पहुंचने वाला हूं उनके। कम ऑन डोमिनार कम ऑन। जीतना है 115, 117, 121 Dominar, you can do it.
लो भाई जी, किसे तो मैं जीत जाऊंगा शायद, यहाँ से निकाल लूंगा मैं, इससे तो निकल गया। अब यार वो बड़ा ही बड़ा गंदा बन गया यार वो, यहाँ लड़के पूरी जोश में। हम लोग झेलमिल से अम्बाला, जो कि ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, हम लोगों ने विदिन 45 मिनट्स, लेकिन से 40 मिनट्स में हमने पूरा कराया वो डिस्टेंस। कम ऑन, यही टाइम है ओवरटेक करने का। निकलो। अरे यार इसका लो एंड गियर डाउन। नहीं, यस सॉरी गाइस फॉर रैश ड्राइविंग, आई मीन दिस इज रियल रैश। तो गाइस फाइनली अब मैं कैमरा के आगे आया हूँ विदाउट हेलमेट। हम लोग कीरतपुर साहिब पहुँच गए हैं, जहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है नाइट स्वार घाट मनाली के लिए, और एक आता है स्ट्रेट धर्मशाला के लिए, मैकलॉडगंज के लिए। तो हम लोग जाएंगे स्ट्रेट। मेरे को यार अभी सीरियसली बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखो ये राइडिंग जैकेट पहनी हुई है, और ये विंटर लाइनर, थर्मल लाइनर और नॉर्मल जैकेट जो होती है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब पसीने भी आ रहे हैं, इसके साथ साथ मेरे को नींद भी आ रही है। और ये मेरा हेलमेट, ये है ना यार कंटेंट लाइक चीज़। तो ये है मेरा हेलमेट गाइस, कमेंट करो एक बार कि अगर आपको हेलमेट अच्छा लगा है या गंदा लगा है। यार देखो मेरे को तो अच्छा लग रहा है हेलमेट। Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubborn, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Riding gears के साथ अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो क्या होता है, और वहाँ पे आप एक्स्ट्रा टेबल क्यों ढूंढोगे? ये देखो, ये है हमारी टेबल, यहाँ पे हमारा बैग, ये किसी का जिसने टेबल ऑक्यूपाई करा होगा उसकी बॉटल्स हैं, साफ नहीं कराई अभी हमने। और यहाँ पे हमारी चार्जिंग केबल, ये मेरा कीज़, फ़ोन, और यहाँ पर है मेन आइटम हेलमेट, अमन का हेलमेट, उसकी जैकेट, मेरा गैजेट्स का बैग। मेरा हेलमेट कहाँ है? वो मेरा हेलमेट बोला, ये श्रेयस का हेलमेट, बढ़िया लग रहा है भाई हेलमेट ये वाला। ये उसकी जैकेट, ये मेरी जैकेट कहीं कहीं छुप रखी होगी। तो ये पूरा स्पेस हमने यहाँ पे घेरा है। ओहो यहाँ पे भी है, और यहाँ पे हमारे लड़के जो है बिखरे हुए हैं। तो भाई अभी तक की जर्नी तो बहुत ही फाड़ रही है, सबके बम भी फट चुके हैं, सब कुछ फट चुका है। देखो राइडिंग प्लान कर रहे हो करो, बट ब्लॉगर दोस्त साथ लेके मत जाना, वरना वो हर जगह जो मैं कर रहा हूँ ना वो ये करता रहेगा। सही बोलो ना श्रेयस? ये बहुत परेशान है मुझसे यार, नॉन वेजिटेरियन की एक ही रोना है कि हर जगह वेजिटेरियन खाना मिलता है। कोई नहीं, हम लोग अभी हंगर्स आए हैं, हंगर्स ना भैया, हंगर्स आए हैं हम ऊना में भाई, वर्ल्ड फेमस रेस्टोरेंट है, एक बार ट्राई करना, मजाक नहीं कर रहा मैं। क्या खेत का व्यू है यार, इस तरफ भी खेत, और बीच में ये ब्यूटीफुल रोड, और ऊपर ये क्लाउड्स की जो हाइलाइट्स है ना, ये भी काफी अच्छे लग रहे हैं। सो गाइस फाइनली चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, और मैं रास्ता भूल गया हूँ, धर्मशाला। थैंक यू। ऑलमोस्ट 4-5 महीने बाद ये पिस्तीस, ओह माय गॉड यार, पहाड़ों में बाइक चलाने का मजा ही अलग है। Of this
गाइस बाइक में भी लोगों को वॉमिटिंग आती है भाई। अमित ठीक है तू भाई? सर घूम रहा है इसका भाई। आज के बाद आप राइड में आओगे? आएगा राइड में, राइड में आएगा। वाह वाह भाई वाह। क्या व्यू है दूर तक। पैसा वसूल है भाई, पैसा वसूल है। वो देखो वहां फॉग भी हो रखा है। Now we are talking man, हम लोग हैं पहाड़ों में और अमन भी आ गया है। वो सनसेट हो रहा है ना वहां पे। So guys, हम लोग फाइनली धर्मशाला पहुंच चुके हैं और राइड बहुत 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 ज्यादा जबरदस्त रही। दो लोग अलग हो गए, दो लोग अलग हो गए, मैं और अमन एक साथ हो गए और श्रेयस और अमित अलग अलग निकल गए गूगल मैप्स के थ्रू। और हम लोग पूछते पाछते साइन बोर्ड्स को देखते देखते, बट फिर भी हम पहुंच गए। पर राइड वाज क्वाइट गुड, मज़ा आएगा राइड करने में। अगर आप लोग इस तरफ आओगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। धर्मशाला की रोड्स बहुत ज़्यादा अच्छी है और धर्मशाला जो प्लेस है ना वो भी काफ़ी अच्छा है। ये लोग कह रहे हैं कि त्रियुंद की ट्रैकिंग करवाएंगे। ये लड़का मुझे कह रहा है कि तेरी उनकी ट्रैकिंग करवाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। मैं ट्रैकिंग बिल्कुल नहीं करूँगा, समझ आई तेरे को? मेरी बाइक की चाबी भी देख बार। क्या चाहिए? बाइक की चाबी नहीं दे रहे हम साला, हमारे पास और कुछ काम नहीं है। ओके ओके चाबी दे, ले पकड़। इस लड़के की चाबी इन लोगों ने छुपा दी है। इनको मैंने दी थी चाबी, वापस लगे ऊपर। कैच करनी भी नहीं आती ये टेल एंडर्स। भाई तुम लोगों की राइड कैसी रही यार? ओए हमारी तो बहुत सही यार, हम तो बहुत प्यार, सीनरी बहुत बढ़िया थी है ना यार। मतलब ये सैनिक प्लेस है, मतलब भाई मुझे, मैं फर्स्ट टाइम मैंने पहाड़ों में बाइक चलाई है पर मुझे बहुत मजा आया। इसने बनाई है इंटरसेप्टर की अच्छी खासी बाइक की बना दी इसने, हिमालयन संभालो। डबल स्टैंड है पर किसी काम का नहीं है भैया। वो पूछना मत क्यों, सब बता दे राजा। अच्छे से बता दे। हाँ भैया एक चैनल है, वो देखो सामने लिखा हुआ है ना, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। हाँ ये देखो ये। और अगर वहाँ पे ना मिले तो यहाँ पे देख लेना, इस वाली ये वाला चैनल काफी अच्छा है। Childhood dreams.